नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश कनाडा में बैठे लॉरेंस के भाई अनमोल ने रची। एक रिपोर्ट के मुताबिक हत्याकांड के आरोपी रामपुल कजोइया और नितिन सप्रे से पूछताछ के दौरान अनमोल की साजिश रचने वाले बात सामने आई। अनमोल ने एक अन्य आरोपी सुजीत सुशील सिंह उर्फ डब्बू के जरिए हमले को अंजाम दिया। उसे शुक्रवार को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से हथियार भी जब्त किया गया है। डब्बू ही अनमोल और शूटर्स के बीच की लिंक था। उसने राजस्थान से हथियारों का इंतजाम कर शूटर्स तक पहुंचाए थे। डब्बू ने ही शूटर्स से एक महीने पहले सिद्दीकी के घर और आसपास के इलाके की रेकी कराई थी। पुलिस को संदेह है कि अनमोल ने 3 संदिग्ध शूटर्स को स्नैपचैट के जरिए बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशांत सिद्दीकी की तस्वीरें पहुंचाई। 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जिशांत के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि बाबा के मर्डर का कारण बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान है। बाबा सलमान खान के करीबियों में से एक थे। मुंबई पुलिस ने बताया कि शूटरों ने करजत खोपेली रोड के पास एक जंगल में निशानेबाजी का अभ्यास भी किया था। पुलिस के मुताबिक शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाने से पहले रायगढ़ जिले में एक झरने के पास पेड़ पर गोली चलाने की प्रैक्टिस की थी। आरोपियों ने प्रैक्टिस के दौरान पेड़ पर 5 से 10 गोलियां चलाई। ये प्रैक्टिस शूटर्स ने इस साल सितंबर में की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी राम कनौजिया ने पूछताछ के दौरान बताया कि सबसे पहले उसे ही एनसीपी नेता की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उसने इसके लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे। पुलिस ने कहा कि इससे पहले गिरफ्तार आरोपियों में से एक के फोन में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशांत सिद्दीकी की एक तस्वीर मिली थी, जिसे आरोपी को स्नैपचैट के जरिए उनके हैंडलर ने भेजा था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।